दोस्तों, इस सीजन का पहला एलिमिनेटर मैच सनराइजर्स हैदराबाद और बेंगलोर के बीच खेला जाएगा, जहां हैदराबाद ने पिछले मैच में मुंबई जैसी तगड़ी टीम को हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई है। वहीं बेंगलोर की टीम अपने पिछले चार मैच हारकर आ रही है और दोनों ही टीमों के लिए ये करो या मरो का मुकाबला होगा। जहां बेंगलोर की शुरुआत इस लीग में अच्छी रही थी, लेकिन अंत में आते आते बेंगलोर का प्रदर्शन खराब देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद की टीम के लिए पिछले चार मैच जबरदस्त साबित हुए हैं। हैदराबाद ने पिछले मैचों में टॉप तीन टीमों को हराया है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं और भी इस तरह की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। बेंगलोर की टीम में सलामी बल्लेबाज एरोन फिंच को फिर से मौका मिल सकता है। बेंगलोर की तरफ से एक बार फिर से देवदत्ता पाड़ीकलन और एरोन फिंच पारी की शुरुआत करते नजर आ सकते हैं। वहीं मिडल ऑर्डर में विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, शुभम दुबे और क्रिस मॉरिस नजर आएंगे। वहीं गेंदबाजी में वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, इसरू उड़ाना, नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज मैदान पर उतर सकते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद। हैदराबाद की टीम ने पिछले मुकाबले में बल्ले और गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया है, ऐसे में शायद ही टीम में कोई बदलाव देखने को मिले। पिछले मैच की तरह एक बार फिर से डेविड वार्नर और रितिमान शाह पारी की शुरुआत करते नजर आ सकते हैं। वहीं मिडल ऑर्डर में मनीष पांडे, केन विलियमसन, प्रियाम गर्ग और विजय शंकर नजर आएंगे। वहीं गेंदबाजी में राशिद खान, जेसन होल्डर, संदीप शर्मा, सहबाज नदीम और टी नटराजन गेंदबाजी करते नजर आ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं और भी इस तरह की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।